रुद्राय पशुपते बीजेपी की सरकार बनी है। मदरसों में देखा गया कि मदरसों के जितने भी शिक्षक हैं उनको आज तक अभी तक वेतन लगभग 4 साल हो गए, उनके वेतन नहीं मिल रहा है। क्या कैसे देखते हैं इसको? मदरसों को हम आधुनिक बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आतंकवाद की शिक्षा बंद करके विज्ञान और गणित की शिक्षा देना चाहते हैं, वहाँ पर उनको कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं, संस्कृत और साइंस का ज्ञान देना चाहते हैं। अगर वो अपनी केवल दीनी तालीम हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि उनको भी आम बच्चों की तरह सभी विषयों की शिक्षा मिले। और जो मदरसे हमारे इस शिक्षा के अभियान से जुड़ेंगे उनको हम सहायता भी देते हैं, उनको आधुनिक करने का हमारी सरकार के द्वारा योजनाएँ भी चलाई जाती हैं। तो तनख्वाह क्यों रोका गया है? जो हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे, जो आधुनिक, जो अभी वर्तमान समय में बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है, अगर वो उससे अपने को अलग रखेंगे तो निश्चित रूप से वो अनहर हो जाएंगे और वो सरकार के द्वारा कोई भी जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता।